हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 6 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड है आपके सामने। डिविडेंड है, डिविडेंड का एक बड़ा लालच आपके सामने है, फायदा उठा लो इसका। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला है, डिविडेंड का ये लालच आपके सामने है, फायदा उठा लो इसका। अब इस वर्ड, इस पूरे सेंटेंस के अगर आप मीनिंग देखोगे, आप सोचोगे भाई शेयर को खरीद लो खरीद लो खरीद लो, शेयर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन कब तक खरीदो कब सेलो, वो सब सेल करो, वो सब आपको पता लगेगा टेक्निकल से। मैं कहूँगा जरा समझ के उठाना, क्योंकि रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के बिल्कुल पास है। मात्र 130 रुपये का शेयर और 6.5 रुपये का डिविडेंड है। चलिए देखते हैं स्टॉक को इस छोटे से वीडियो में, टेक्निकल फ्रंट पे, डिविडेंड के फ्रंट पे और फंडामेंटल फ्रंट पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। गेल इंडिया लिमिटेड की यहां पर बात हो रही है। गेल इंडिया यानी कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की दुनिया का बहुत जबरदस्त प्लेयर, 58,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 130 के आसपास का प्राइस है। कंपनी के ऊपर डेट भी कम है, 1,000 करोड़ का डेट है, जनरली बहुत ज्यादा डेट होता है। प्रॉफिटेबल कंपनी है और सेल्स ग्रोथ अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, सबसे अच्छी बात है डिविडेंड भी, और इस बार तो जबरदस्त डिविडेंड है। पी रेशियो भी बेहतरीन है। अब देखिए 99 का बुक वैल्यू है। अभी जब स्टॉक गिर के 110 रुपये के आसपास आया तो लोगों ने खूब खरीद लिया इसको और शेयर वापस गया, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले इसका रिजल्ट आया, अभी दिसंबर में, 17,000 करोड़ के आसपास का इसने रिवेन्यू देखा है, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर के कंपैरिजन में कम है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर दिसंबर के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। मैं कहूँगा 1,600 ऑलमोस्ट 1,700 करोड़ का प्रॉफिट जो है गिर के 1,200 करोड़ के आसपास आ चुका है, लेकिन द प्रॉफिट इज डाउन। बट सरकार को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड मांगे हैं, दो भाई, देना पड़ेगा, कैसे नहीं दोगे आप? यही तो इंपॉर्टेंट बात है सरकारी शेयर की, बेचारा को डिविडेंड देना पड़ता है। प्रॉफिट है, बोले प्रॉफिट कम है ना, है तो सही, तो देखिए 1,200 करोड़ का तो ऊपर ही है, तो डिविडेंड तो दो, हमको तो अपना हिसाब किताब पूरा करना है। तो ये देखिए, उसके चक्कर में इस कंपनी को 6.5 रुपये 40 पैसे के आसपास का डिविडेंड देना पड़ा है। 6 रुपये 40 पैसे 130 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखो तो मान के चलिए कि सीधे सीधे 130 रुपये 6 रुपये, मतलब 5% का डिविडेंड देना पड़ रहा है। लेकिन इस डिविडेंड की जो एक्स डिविडेंड डेट रखी गई है वो 17 फरवरी की है, इस चीज को ध्यान दें, 17 फरवरी की एक्स डिविडेंड डेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसका मतलब शेयर में उतार चढ़ाव आने वाला है, थर्सडे फ्राइडे 13-14 को आसपास उतार चढ़ाव रहेगा, रहने वाला है, क्योंकि हर कोई डिविडेंड के चक्कर में खरीदता है। अब अगर आप समझोगे शेयर को, फिर आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, रहने वाला तो है। अगर आप ऑलरेडी देखें 0.89% का जंप आ चुका है, उतार रहेगा या चढ़ाव रहेगा इसके ऊपर आप देखें, टेक्निकल पे आपको समझ में आएगा कि फायदा कैसे उठाना है। चलिए टेक्निकल के ऊपर चलते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। दिस इज मंथली चार्ट ऑफ गेल, मंथली चार्ट मतलब एक कैंडल एक मंथ की है। अब जरा बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, 2001-2002 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी मतलब करेक्शन होते होते, देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि एक ही चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए डाउन ट्रेंड इज सिंपल, डाउन ट्रेंड इज नथिंग, इट इज सिंपल अ सीरीज ऑफ लोअर हाईज एंड लोअर लोज, एंड यू कैन सी इन दिस चार्ट एज वेल, दिस इज अ लोअर हाई एंड लोअर लो का सीरीज है, और हेयर इट ब्रेक्स द रूल एंड वी हैव अ हायर हाई, बट आगे चलते चलते हमें फिर से लोअर लो मिल गया, तो ये अभी चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पे देखिए आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये चेंज होता रहा, यहाँ पे जरा गैप, ये देखिए 2003 में ये सारी चीज़ नीचे गई थी, इसके बाद देखिए फिर पॉजिटिविटी देखने को मिली। बट मेन इसी तरीके से अगर आप आगे की चीज़ें देखें, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड था, ये पर्टिकुलर डाउन मतलब एक एक प्राइमरी ट्रेंड, इसके बाद 2003 के बाद आप देख रही जो पूरा अप ट्रेंड है, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे डाउन ट्रेंड चले हैं इस तरीके से। तो यही चीज़ तो हमको समझनी है, ये कब रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स होते होते आपको देखना है कि कब रिवर्स हो रहा है। ऑल दो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट प्रॉफिटेबल स्टॉक है, बट हमको ये आइडेंटिफाई करना है ये कब रिवर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गिरते ही उसमें हमको इसको शेयर को खरीद लिया, गिरते हुए नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए रिवर्सल का, उसके बाद आप लॉन्ग होने की सोच रहे हो तो लॉन्ग होइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखूँ तो स्टॉक नीचे आता है, नीचे आता है, देखिए यहाँ पे बेसिंग होती है, फिर अपने इस हाई को जो लास्ट हाई था उसको पार करता है, इस टाइम के बाद फिर लोगों ने खरीदारी करी है और कमाया है पैसा, उसके बाद देखिए यहाँ इस लेवल पे देखिए इस हाई को पार किया है, उसके बाद लोगों ने खरीदारी करी है। तो ऐसे पॉइंट्स आपके पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे मौके, लेकिन इनको ज़रा समझना है, इसीलिए मैं कह रहा था ज़रा संभल के। अब फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ, अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चल रहा हूँ, वीकली चार्ट पे आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर होगी।
देखिए वीकली चार्ट पे अगर मैं उस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड की लाइन को आपको दिखाता हूँ जो कि 2014-15 में आई थी, स्टॉक 151 से लगातार गिरता हुआ नीचे गया और 79 की रेंज तक चला गया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि बेस बन रहा है, बेस बना नो डाउट, बेस बनने के बाद ये लास्ट हाई पहले पार होता है जो कि अच्छी बात है, फिर स्टॉक फिर से लो बनाता है। देखिए ये हायर लो है, अगर आप देखोगे 1 2 3 वी हैव थ्री हायर लोज बट वी हैव अ रेंज हियर, ऊपर साइड में अगर आप देखोगे तो एक रेंज है, ये रेंज को पार करना 105 की इस रेंज को पार नहीं कर पा रहा। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए एक बुलिश बुलिश ज्वाइंट बनता है, ये काइंड ऑफ बुलिश ज्वाइंट देखिए बना है, उसके बाद फिर स्टॉक पार करता है इस रेंज को पार करते करते देखिए इंपॉर्टेंट बात, फिर पार करने के बाद फिर से कंसोलिडेशन आता है और इस रेंज के हाई पे सपोर्ट मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है हर चार्ट में। अगर कोई कोई जो है हाई यानी कि कहीं पे ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट में कहूँगा, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक उस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश करता है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद जब वो लेवल पार होगा तो स्टॉक में बड़ी रैली आएगी एंड वी जस्ट सीन इन दिस चार्ट एज वेल। रैली आती है फिर हल्का सा कंसोलिडेशन, रैली आती है रैली आपको पता है भाई कंसोलिडेशन जरूर है, फिर रैली आती है फिर कंसोलिडेशन, ये बड़ा कंसोलिडेशन फिर रैली आती है। फिर देखिए अब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे देखिए ये वाला हाई जो है, देखिए इसने हाई बनाया, करेक्ट हुआ शेयर, ऊपर गया फिर उसी हाई को पार नहीं कर पाया, शेयर नीचे आया। नीचे आने के साथ साथ आप देख रहे हो कि लंबी लंबी डंडियां आपको दिख रही है बॉटम पॉइंट पे, लेकिन धीरे धीरे करके स्टॉक इस मेजर, मैं कहूंगा इनको अगर मैं हटा दूं यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन देखूँ 160 के आसपास की स्ट्रेट लाइन है, ये टूटती है यहाँ पे आके, अभी तो खाली रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग थी लेकिन यहाँ पे आके ये टूट जाती है जून 2019 के आसपास, ये टूटना बहुत बड़े खतरे की निशानी। और उसके बाद देखिए हल्का सा कंसोलिडेशन आता है, यहाँ पे लोगों ने पैसे कमाए हैं शॉर्ट करके, शॉर्ट किया पैसे कमाए, फ्यूचर शॉर्ट किया, उसके बाद नीचे गया शेयर, फिर जंप आता है, फिर तो ये खाली करेक्शन है। अब देखिए फिलहाल स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या चल रही है, अभी आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट लाइक दिस ऑल्सो, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ रैली, डाउन ट्रेंड की एक रैली, बट एक ऐसा लग रहा है कि हाँ बेस फॉर्मेशन चल रही है, बेस बन रहा है, क्योंकि स्टॉक 110 के लेवल तक यहाँ पर गया था, बेस फॉर्मेशन चल रहा है, अच्छी बात है। बट आई थिंक कि स्टॉक को कुछ लेवल्स को पार करना जरूरी है, जैसे 133 का ये लेवल, या मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सेफ साइड अगर आप चलोगे तो 140 से लेके 145 की ये दो रेंजेज अगर पार होती हैं लास्ट हाईज, जो कि अच्छी बात है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, अगर कोई सोच रहा है एंटर करने की तो ये अच्छी बात जरूर है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली चार्ट पे, क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा भाई डिविडेंड अनाउंस हुआ, डिविडेंड अनाउंस होने के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिली, और डिविडेंड के अनाउंसमेंट जरा देख लीजिए, पहले डिविडेंड कब अनाउंस हुआ था इसका, ऑलरेडी शेयर ने चार बार बोनस भी दिया हुआ है, 28 जनवरी को ये डिविडेंड अनाउंस हुआ था, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, 28 जनवरी को स्टॉक ने जब डिविडेंड दिया था उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने बड़ी रैली, देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर रैली जरूर हुई है और डिविडेंड पास आते आते स्टॉक ऊपर गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये और ऊपर जाएगा, देखिए और ऊपर जा सकता है, नो डाउट डेफिनेटली जा सकता है, बट इट हैज़ टू क्लियर सर्टेन लेवल्स। द फर्स्ट लेवल इज जो मैंने आपको बताया कि 133 का ये लेवल पार करना जरूरी है, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ लगेगी, बट डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक में जंप आ सकता है। और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे ख्याल है कि 200 मूविंग एवरेज 137 से लेके 138 का ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिविडेंड के चक्कर में बाइंग हो रही है, नो डाउट हो रही है और होगी भी, और बाइंग के चक्कर में, इस बाइंग के चक्कर में यहाँ पे अगर इन लेवल्स को पार नहीं करता तो यहाँ पे वापस सेलिंग भी होगी, तो पैसा कमाने का मौका यहाँ पे दो तरीके हैं। अभी एक्स डिविडेंड से पहले तो इसमें बाइंग होगी तो आप लॉन्ग हो सकते हो, पर ऐसा नहीं, आप लॉन्ग हो सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको होल्ड करके रखना है, अभी होल्ड करने की अगर आप सोच रहे हो तो इन पॉइंट्स के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग हो सकते हो कि हाँ भाई डिविडेंड जब तक आता है तब तक देखिए ऊपर जाएगा, फिर एक्स डिविडेंड डेट के दिन ये 6.5 रुपये नीचे गिरेगा तो फिर शॉर्टिंग, क्योंकि 6.5 रुपये एकदम नीचे गिरेगा तो फिर और नीचे गिरेगा उसके बाद, तो फिर शॉर्टिंग का मौका आता है। तो लोग दोनों तरीके से पैसे कमाते हैं, शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, नीचे जाता है तो सेल कर लेते हैं, ऊपर जाता है तो, लेकिन अभी ये स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, इट इज इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, नॉट द स्टॉक नॉट रिवर्स द ट्रेंड येट, रिवर्सल की कन्फर्मेशन आपको मिलेगी 139 से 140-145 के लेवल पे, तो इस चीज़ को जरा ध्यान दें, ये चीज़ समझा, अगर मैं समझाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसी कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है इतनी बेसिक कि भैया आपको समझाए कि हाँ क्या चल रहा है, बट जो लेवल्स हैं वो ध्यान रखें, जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल क्रॉस होने जरूरी है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जो है मजबूती दिखेगी स्टॉक में, कैसे ये हमारा जो जॉइंट बनेगा, आप कहोगे हाँ यार एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजिशन तो बनती हुई दिख रही है इस तरीके से, देखिए
ये बन रहा है। लेकिन इसके लिए पार होना, जैसे ये लेवल मैंने बताया जरूरी है, ये पार हो जाए और इसके साथ साथ ये पूरी रेंज पार होती है, तो आपको ये मजबूती जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और ये टेक्निकल अगर आपको सीखना है तो भाई मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।